अज कांग्रेस हाईकमांड के निर्देश से जो कि राहुल गांधी जी नू मोदी सरकार वालों अज पार्लीमेंट विचों कढ़िया गया गा उन्हां दी मैंबरी खारिज की गई है गैर संविधानिक तरीके नाल उहदे रोस वजों जो आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश से वख-वख शहरां दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस हो रही है उहदे संबंध में अज साडे हलका इंचार्ज साबका MLA भाई प्रीतम सिंह कोटभाई जी पुछो प्रैस कॉन्फ्रेंस वास्ते पहुंचे है इन्हां दे नाल साडे हलके दे जो इंचार्ज पंजाब कांग्रेस वल्लों लाया गया जसविंदर सिंह जी सिखां वाला बुलारा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे उह पहुंचे है ते पुछो दे समूह लीडरशिप पहुंची है कि सत श्री अकाल जी सब तो पहला तो तुहाडा धन्नवाद तुसीं छोटे जिहे सद्दे दे सारे पत्रकार वीर जिहड़े है बड़ा प्यार करदे है तुसीं स्पैशल टाइम कढ़िया अज दा जिहड़ा विशा है वो ये है तुसीं लंबे समय तो देख रहे हो लोकतंत्र दा ढान पिछे राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की सी उदों तो लैके हुण तक विरोधी पार्टी मेन BJP नू बड़ी घबराहट होई सी पहला दे यात्रा नू रोकण की कोशिश की गई चलो वो सफल हो गई चंगा रिस्पोंस मिलिया फिर उदू बाद राहुल गांधी ने जो जो आवाज़ जिहड़ी मोदी सरकार के खिलाफ खास करके जिहड़ा हुण चल रहा अजकल अडानी का मामला अडानी जां अंबानी जो सिस्टम चल रहा देखो असीं सारे जानते हैं कोई अनजाण नहीं है मैं वार वार उसी गल नूं दोहरावां तुसीं सारे समझदार हो मेरे तो ज़्यादा कुछ जानते हो एक विशेष व्यक्ति नूं सारे कम्मां दा ठेका जिहड़ी राहुल गांधी ने लोकसभा दे विच आवाज़ पाई सी भी 20,000 करोड़ रुपया जिहड़ा अडानी दे अकाउंट जिहड़ा आया है जिहड़ियां कंपनियां च आया है भी वह कित्थों आया था की मेन विशा था यह सी उन्हां कोले प्रूफ सी सबूत सी उहदी आवाज़ नूं दबाउण वास्ते देखो 2019 दे विच पिछले इलैक्शन दौरान कर्नाटका दे विच उन्होंने भाषण दौरान यह कहा सी भी 3 लोग जिन्हां दे पिछे मोदी लगता वो देश नूं लुट रहे हैं खा रहे हैं ये मोदी क्यों वो 2019 का मसला जड़ा है देखो इलेक्शन नेड़े आ गए वो मुद्दा जड़ा मुद्दा सीगा कर्नाटका का उहदी शिकायत जिहड़ी पाई वो पाई कोर्ट दे विच गुजरात दे एक MLA ने तो उदों दा दबा दबाउंदा हुण जदों इहने आवाज़ लोकसभा दे विच राहुल गांधी ने चक्की इहदी आवाज़ नूं दबाउण वास्ते उन्होंने उही मामला चक के इहनूं 2 साल की सज़ा तो इन्हां दी जी राहुल गांधी जी मैंबरशिप जिहड़ी खारिज करती अज नहीं ये पहला जिहड़ा लगभग 15-20 दिन तो साडा चल रहा है तुसीं पिछे देखिया हो जिले दे विच वी असीं जिहड़ा विरोध कीता सी धरने लाए सी उस मुहिम के तहत जानी लोकतंत्र नूं बचाउण वास्ते जिहड़ी मुहिम कांग्रेस पार्टी ने शुरू की अज राहुल गांधी नाल होया कल नूं होर किसे नाल हो सकदा है लोगों के चुने नुमाइंदे जिहड़े है लोगों की आवाज़ जे लोकसभा दे विच विधानसभा नहीं चुकनगे तो फिर लोगों के हल किवें होणगे वो आवाज़ नूं दबाउण वास्ते राहुल गांधी जिहड़ी मैंबरशिप खारिज की गई है उहदे संबंध दे विच अज असीं जिहड़ा इत्थे स्पैशल तौर पर प्रैस कॉन्फ्रेंस करन वास्ते आए हैं कि लोगों के विच जिहड़ी इह गल दा पता लगे बहुते लोगों नूं तां पता ही नहीं होया कि ताकि आम लोगों नूं तुहाडे जरिए ये पता लगे भी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के नाल जां आम लोगों के नाल की धक्का हो रहा इस वास्ते असीं आए हैं तो सानू पूर्ण आस्ते उम्मीद है भी तुसीं सारे इस गल नूं आपकी कलम जरिए लोगों तक पहुंचा ज़्यादा मैं कदे भी मेरी कोई खबर लाए ना लाए मेरे हक चलावे मेरे विरोध चलावे मैं कदे किसी का बुरा नहीं किया कदे किसी वाले बुरा किया ही नहीं ना किसी बोलिया ना बोलना इस करके मीडिया तो आज़ाद है जिहड़ा आज़ादी के उपर कोई किंतु परंतु करता भावें कोई नहीं है भावें CM है भावें कोई विधायक है भावें कोई अफिसर है वो असी उहदा विरोध करते हैं तो खास करके जिहड़ी शहीदां दी जिहड़ी हैगी है यादगार उत्थे उहनूं इक ढाल बना के वरतना वह तो बहुत ही माड़ी गल है देखो वो तो पोलीटिकल गल है ही ना असी अज ना वैसे तो देखो पंजाब के मुद्दे से कोई गल नहीं करनी सी विचार तो यह सेंटर का ही सीगा पर हुण पंजाब के जिहड़े हालात आ तुसीं देख रहे हो मैं 5 साल रहा है
पूरे हलके दे विच एक पंचायत मैंबर जां एक सरपंच कोई कर दो जिन्हों मैं दबाया होवे जिन्हों मैं धमकाया होवे जां उन्हों मैं कढ़िया होवे जां उहदी सरपंची जां मैंबरशिप खारज कराई होवे एक भी कर दो। अ तुहाडे प्रधान केशे नूं पुछ लो कि मैं ना अप्रोच की सी इन्हां ने, मैं कहा राम ने बहि जो जो भी बड़ा लाया सारा ने तोड़ो तोड़ो, मैं नहीं तोड़िया कोई भी, कोई जिहड़ी नगर कौंसल नहीं टुट दित्ती, कोई पंचायत नहीं टुट दित्ती, भी लोगों के चुने हुए नुमाइंदे इन्हां नूं काम करन दिओ। तो थोड़े समय के पता ही है अपने हल्के सरपंचों के उपर दबाव पा के किसी सरपंच सस्पेंड करवाना, किसी सरपंच से परचा दर्ज करवाना, जो सरपंच जो परचा दर्ज करा दोगे जो सस्पेंड करा दोगे सरपंच जी तो बंदे को मिलने नहीं, आ सारिया जड़िया नगर कौंसल सीढ़े सामने ही है, दबाव बना के प्रैशर बना के प्रधान बदलो नहीं इधर आओ फलाना आओ धियाँ आओ, कुछ चंगिया गल् नहीं है, ये कोई चंगी गल् नहीं। असं चलो थोड़ा वेट कर रहे हैं भी शायद थोड़ा हट जाने ये, पर जो इस ढंग चल रहे हैं पंचायतों के उपर अत्याचार जो हो रहा है, जो सरपंचों के उपर अत्याचार हो रहा है, जो पंचायतों को दबाया जाता है नजायज ढंग नाल, हुण साडे जिवें तुहानूं पिछे नथाने दा तुहानूं पता ही है इन्हां ने मैंबर तोड़ ले सी, दबा के तोड़ ले, फिर जो प्रधानगी की डेट रखी तो इन्हां दे बंदे जिहड़े पूरे ही नहीं होए, फिर एम एल ए गया तो उत्थे भज्जिया, तुहाडे ध्यान च ही है सारा केस, आ जिहड़े लहरा मुहब्बत साडी हैगी पंचायत नगर पंचायत इत्थे कोशिश की कोई टुटे ही नहीं, तो फिर इन्होंने वो प्रधानगी जी है साड़ी चोन नहीं होने देंगे, पिंड गोदे तुरे फिर लोगों के देखो चुने हुए नुमाइंदे सत्त सिद्ध है उन्होंने प्रधान चुनदा कर देखो सरकार है कुछ भी करे, असी कुछ समय के सारिया जड़िया गलां पता ध्यान से रखते हुए अगली मुहिम जी हल्के शुरू करा जे इन्हों का सिस्टम आई चलता रहा। देखो मैं कदे भी मैनू वोटा नहीं पाइं, मैंने लोगों ने हराता, मैं लोगों के पास नहीं आया, मैं आपके कनियों कोशिश की भी हल्के का विकास करा, शायद मैं तो कहना मैं बहुत कुछ किया पर लोगों नहीं चंगा लगे, उन्होंने जिताता असं स्वीकार कर लिया, असी तो इस गल के उत्ते सहमत है भाई तुम्हें जिताया सरकार न्यूट्रल तौर पर कम करे असी कोई विघन नहीं पाते, पर जे सरकार कम करने की बजाए ज उन्होंने विधायक कम करने की बजाए टारगेट कांग्रेस न कर मैंबर सरपंचों कर असी लंबा समा नहीं जरा वेट कर सकते, सानू भी उन्होंने खिलाफ कोई ना कोई संघर्ष विढ़ना पेगा। तो मैं थोड़े जरिए यह भी कहना चाहना मौजूदा विधायक न भी प्लीज़ साड़ी हिस्ट्री देखो, पांच साल असी कुछ नहीं किया तो तुम एवं सरपंचों पंचों प्रधानों नजायज दबा बंद कर दो, तो कि ना हो सू अगे धरने मुजहरे करने पैन साड़ी पंचायतों सरपंचों ज प्रधानों बचा वास्ते। होर कुछ ने पार्लीमेंट के अंदर एक बड़ी तकड़े तरीके आवाज़ उठाई कि किस तरह के नाल जिहड़े साडे मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जिहड़े उन्हां दे अरबपति जिस तरह अंबानी ते अडानी उन्हां दे नाल किस तरह के संबंध है, खास करके गौतम अडानी जिन्हां दे कि उन्होंने मौके पर सबूत दिते जिहदे विच कट्ठे यात्रा कर रहे हैं विदेश यात्रा कर रहे हैं विदेश दौर के अडानी साहब नाल जाते हैं। सो उस तो बाद एक बड़ा वड्डा बवाल जिहड़ा एक जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने उस खेमे दे विच बड़ी एक घबराहट महसूस हुई उन्होंने और उन्होंने एक मुद्दे बना के पहला तो पार्लीमेंट दे विच राहुल गांधी जी ने दोबारा बोलन तो रोकिया, जिस तरह कि राहुल गांधी जी पिछले दिन अपने विदेश गए थे उत्थे उन्होंने जिहड़े अज की लोकतंत्रक प्रणाली है साडी भारत की उहदे वर्तारे बारे कुछ गल्लां कीतियां जिहड़ियां कि बिल्कुल सच्चियां सी, इह कीता कि जिहड़ा साडियां संस्थावां उन्हां ते कब्जा किया जा रहा है, डेमोक्रेसी का कांड किया जा रहा है, तो जिहड़ी साडी खास करके प्रगटावे की आजादी है वह प्रगटावे की आजादी नूं मतलब खत्म किया जा रहा है, ये गल्लां कीतियां। उस तो बाद फिर जो इत्थे आके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उस गल ते बड़ा बवाल उठाया कि असीं राहुल गांधी जी नूं उन्नी देर बोलन नहीं देंगे पार्लीमेंट दे विच जिन्नी देर वो माफ़ी नहीं मांगते। इस समय के दौरान एक जिहड़ा पुराना केस सीगा कोई जिहड़ा कि पार्लीमेंट के इलैक्शन के दौरान राहुल गांधी जी ने कुछ टिप्पणियां कीतियां सी मोदी उपनाम नूं लैके, वो क्यों कीतियां सी क्योंकि उदों कुछ व्यक्ति जिहड़े मोदी उपनाम वाले सी जिन्हां च नीरव मोदी सी ललित मोदी सी वह इस तरह के देश के नाल कोई घोटाले करके इत्थों भज गए सी, ये सारयां नूं पता ही है तो प्रेस नूं भी पता है। सो उन्होंने कहा भी मोदी जिहड़ा उपनाम है उन्हों ही एक बख्श है भी सारे मोदी चोर होंगे, सो उस टिप्पणी लैके
वो जी गुजरात की सूरत की एक अदालत सी उहदे विच केस चल रहा है तो वह अचानक वो जो फैसला आता है अचानक फैसला आता है जिहड़ा कि शक्की तौर पर सानू जी कांग्रेस पार्टी को लग रहा है और उहदे विच क्योंकि जिहड़ा मानहानि का केस हुंदा है उस वध तो वध जिहड़ी सज़ा हुंदी है वो दो साल की हुंदी है वध तो वध वध तो वध का मतलब यह नहीं गा कोई भी जिनी हैगी उन्नी करनी हुंदी है छे महीने भी कर सकते सी तीन महीने भी कर सकते और अज तक जिहड़ा साडे संविधान दे विच इह कदे होया नहीं गा भी मानहानि दे केस दे विच किसी व्यक्ति को इलैक्शनां दे दौरान कीतियां टिप्पणियां दे दौरान किसी व्यक्ति को दो साल की सज़ा हुई हो ये पहली बारी होया इतिहास दे विच इस करके सानू ये गल शक्की लगती है और उस तुरंत बाद जिहड़े साडे लोक सभा दे स्पीकर सी उन्होंने फौरी कार्रवाई कर दिया जिस तरह की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी होंदी है कि आपां सारा कुछ आ करना फटाफट उन्होंने उन्होंने डिसक्वालीफाई करता श्री राहुल गांधी जी उस तो तुरंत बाद ही जिहड़े जिहड़ा सैक्रटेरिएट हुंदा है उन्होंने एक चिट्ठी कढ़ती भी तुसीं बंगला खाली करो हालांकि ये जिहड़ा बंगला खाली करन दा काम है वो किसी भी इलैक्शन तो बाद जे कोई व्यक्ति इलैक्शन हार जांदा है जां डिसक्वालीफाई हो जांदा है जां कोई अपने कोई ऑफिसर ही है सीनियर ऑफिसर उहदा तबादला हो जांदा तो उहदे कोले छे महीने तक का भी समा हुंदा है और इन्नी जल्दी जिहड़ा ये सारा कुछ एक इस तरह लगता सी जिवें लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है गिनी मिती साजिश है वो गिनी मिती साजिश के तहत ही यह सारा कुछ किया गया सो असी ये जिहड़ा इस तरह का वर्तारा जिहड़ा कि गैर लोकतांत्रिक है जिहड़ा कि एक शक की भावना के नाल भरिया होया वो साडे सामने लग रहा है असी उहदी आवाज़ पूरे भारत के एक लोकतंत्र की आवाज़ बन के उस ढंग के नाल अज सारे जा रहे हैं पूरे भारत के ता कि प्रगटावे की आजादी क्योंकि ये जिहड़ा होया ये प्रगटावे की आजादी एक तरह का हमला जेकर कोई व्यक्ति फर्ज करो जिहड़ी गल आपां कीती है कि मोदी भज रहे हैं तो मोदी उन्हें कहा कि मैं चौकीदार हाँ तो चौकीदार दे किस तरह के कपड़े निकले उन्होंने जे गल टिप्पणी करती तो यू कोई आप मानहाली के नहीं लै सकते जिहड़े मोदी उपनाम के नाम से जे आप उन्होंने कोई इस तरह का व्यंग वरत्या तो उन्होंने मानहानि के तौर पर क्योंकि जो प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री से तो आम लोग चुटकले भी बनाते रहेंगे प्रधानमंत्री के लोग टिप्पणियां भी करते रहेंगे चुने हुए नुमाइंदे होंगे प्रधानमंत्री होवे मैंबर पार्लीमेंट होवे या मुख्यमंत्री होवे किसी स्टेट का वो लोगों का चुने हुआ नुमाइंदा होंगे उन्होंने बारे तो टिप्पणियां आम मीडिया भी स्टोरिया बनाते रहेंगे जिसे अपने कोई यूट्यूब चैनल है या छोटे अखबार है वह भी लिखते रहेंगे सो इस तरह की ये इतिहास के पहली बार होया जो संविधानिक इतिहास है भी इस तरह की कोई घटना हुई हो सो एक जी उस तो पहला आप वर्तारा देख रहे हैं वो ये है कि एक मीडिया का जिहड़ा वड्डा वर्ग है वो ये जिहड़े दो वड्डे अरबपतियों का मैं नाम लिया अंबाणी ते अडाणी उन्होंने उहदे ते कब्जा कर लिया जिस तरह पत्रकारिता एक बड़ा निष्काम ते बड़ा पवित्र साडा कार्ज सीगा जिहड़ा कि लोकां दीआं समस्यावां जां जिहड़ियां सरकार दीआं नाकामियां वो कढ के लोगों के सामने लाते जिहड़े जिथे कि कोई गलत कोई गल हुंदी सी उन्हों कट के सामने लियाते इस तरह की गल सी पर कमरशलाइजेशन करके जिहड़े ये वड्डे घराने है उन्होंने कमरशलाइजेशन करके उहदे उत्ते एक तरह नाल कब्जा कर लिया और उस कब्जे के तहत अज उही चीज़ दिखाई जाती है जिन्हों वो घराने चाहते इस तो पहला जिहड़ा जिहड़ी देखो पहला कल्ला दूरदर्शन हुंदा सी अपना दूरदर्शन तो बाद जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया की जिहड़ी आज़ादी है उहदी जिहड़ी प्राइवेट चैनलों की खुल दित्ती डॉक्टर मनमोहन सिंह होरां ने क्योंकि असी कांग्रेस पार्टी यह महसूस करती सी कि जिहड़ी आज़ादी है वो आज़ादी सही ढंग दे नाल जिहड़े आम लोगों की प्रगटावे की आज़ादी सही ढंग दे नाल कर लई जिहड़ा मीडिया है उहनूं खुल होनी चाहिए जिस तरह बाहरले मुल्कां दे विच है उस तरीके असी यह गल कीती सी पर उहनूं मिसयूज करदिआं होइआं उस चीज़ को कैप्चर किया गया कैप्चर करके उहदे विच कुछ चैनल ऐसे है जिन्हां दे विच मोदी साहब तो बिना कदे किसी की शकल ही नहीं दिखाई जाती जेकर कोई प्राइवेट अपने कोई ओपोजिशन कोई आवाज़ उठाती है ओपोजिशन कांग्रेस तो अलावा भी बहुत सारिया खेतरी पार्टियां बहुत सारिया नैशनल लैवल कुछ पार्टियां सी जिस तरह कामरेड सीगे CPI CPM या बहुजन समाज पार्टी सी उन्हां दा भी सारे दा उन्होंने बिल्कुल बलिया मेट करता और कदे भी किसी होर की खबर नहीं दिखाई जाती और उहदे तो अलावा नफरती भाषण तो नफरती डिबेट्स जिहड़ियां कि धर्म के आधार पर नफरत जाति के आधार पर नफरत जिहड़ी कि कांग्रेस ने खत्म की सी कांग्रेस ने उस वेले जिहड़े साडे लोग है
उन्होंने ये वादा किया कि असं सारे बराबरी का अधिकार देंगे आजादी की लड़ाई तो पहला। तो 62 साल कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ने तो बाद जो तो आजादी मिली तो वो जो अपने वादे से उन्होंने पूरा किया, उन्होंने पूरा करने तहत सब तो पहला जोड़े समाजिक तौर पर पीड़ित जोड़े वर्ग से जिन्होंने औरतों से दलित वर्ग से या कोई होर पछड़े हुए वर्ग से उन्होंने बराबर का अधिकार देने वास्ते रिजर्वेशन लेके आती औरतों के जोड़े अत्याचार होंगे जिस तरह औरतों दंडियां लगदिया से या पर्दे के रखा जाता सी दहेज की प्रथा से या जी एक सती की प्रथा से या एक बाल विआह की प्रथा से वो सारिया जिहड़ियां औरतों के प्रति समाजिक तौर पर जिहड़ियां जिहड़ियां आप समाजिक बुराइयां कह सकते हैं उन्होंने खिलाफ़ कानून बनाया, दहेज की प्रथा के खिलाफ कानून बनाया, भ्रूण हत्या के खिलाफ भी जिहड़ा कानून बनाया भी कांग्रेस ने बनाया, इस तरह बाल विआह के खिलाफ कानून बनाया 18 साल की उम्र की घट्टो घट्ट जी बच्चे सो ये सारिया गल्लां कांग्रेस ने सारे वर्गों बराबर लेके आंदा सी, सारे जिहड़े जाति के आधार पर सारे लोगों बराबर लेके आंदा सी, इस तरह धर्म के आधार पर एक धर्म निरपक्षता वो पूरे देश के कन्याकुमारी तो लैके कश्मीर तक कि सारा भारत साडा है वो सारे धर्मों का सारिया जातियों का वो एक गुलदस्ता कांग्रेस पार्टी ने बनाया और कानून का राज जिहड़ा पूरे भारत के लगा सी। पर उस तो बाद हुण जिहड़ी जल्दी ये भारतीय जनता पार्टी आई है इन्होंने अलग अलग यूनीवर्सिटिया के देखो तुसीं आपां कई आपां देखियां जिहड़ियां कि दलित विद्यार्थियों से जिहड़े हमले होए, इस तरह किसी मुस्लिम पर हमले होए, इस तरह हिंदू विश्वविद्यालय वो हमले होए, इस तरह कई थावां ते जिस तरह गऊ हत्या की गल हुई वो गल्लां इन्हां दे पिछे एक इन्हां दा कम करदा दिमाग कम करदा है कि नफरत की राजनीति भरी जाए ता जो लोगों तो जिहड़ियां वोटां बटोरियां जाण धर्म दे नाम। सो शुरू तो ही असीं तां इस गल दे विच है कि जिहड़ा धर्म दे नाम ते जिहड़ी सियासत है वो हमेशा डेमोक्रेसी लिए बहुत खतरनाक है, पर इन्हां ने उस गल नूं कैप्चर करके फिर मीडिया नूं कैप्चर करके वो सारा जिहड़ा ताना बाणा है वो साडी डेमोक्रेसी नूं एक वड्डे खतरे के रूप के अज्ज साडे सामने दिख रहा है। और जिहड़ियां खास करके संस्थावां CBI ED उन्हां नूं ढाल बना के अपने विरोधियों के खिलाफ वरत्या जा रहा, जे कोई बंदा कोई विरोधी धिर दा लीडर है कोई आवाज़ उठाउंदा उहदे खिलाफ़ ED पा दिंदे आ, CBI उहदे मगर लगा दिंदे आ, या फिर मीडिया के राही करदार कुछ की जाती है लगातार सारे मीडिया राही गिनी मिथी साजिश के तहत एक स्क्रिप्ट लेके सारे मीडिया से उही खबर लगातार चलती है और उस व्यक्ति की किरदार कुछ की जाती। सो ये सारिया गलों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अज असी एक जी डेमोक्रेसी की आवाज़ लोगों की आवाज़ तो खास करके मीडिया की आज़ादी की गल वो बारे असी गल करना दरम्यान पहुंचे जी।